लो सब लोग, मेरा प्रमोशन हुआ है, अब मैं सीनियर प्रोसिक्यूटर बन गया हूँ। आज की पार्टी मेरे तरफ से। आज बिना पिए कोई भी पार्टी से नहीं जाएगा। चीयर्स। एक और खुशखबरी है, मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम लोग इंजॉय करो, मैं चलता हूँ। रुको, थोड़ी देर के बाद चले जाना यार। कितने साल बाद हम मिले हैं, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। जानती हो, तुमसे मिलूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं। फिजूल की बातें बंद करो और बताओ कौन नहीं आया। ये कहाँ हो तुम? तुम मुझे पूरे दिन कहीं नहीं दिखी। और लू विन, तुम भी नहीं आया अभी तक। आज हमारी 7th ग्रेजुएशन एनिवर्सरी है और आज भी उससे ओवर टाइम करवा रहे हो। और छोड़ दो, तुम दोनों जल्दी आओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे 6 बियर और चाहिए। देखिए, ये एक डेजर्ट शॉप है, मैं यहाँ डेजर्ट रखता हूँ, और आपने इसे बियर बार बनाकर अपने जूनियर्स को गलत सीख दी है। मेरी बात सुनो जूनियर्स, अपने कॉलेज लाइफ को खुल के एंजॉय करना ठीक है, मेरी तरह मत बनना। मैं 7 साल पहले ग्रेजुएट हुई थी और अभी बस एक पैरालीगल हूँ। मैंने दूसरों के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाए, फॉरेन कंपनीज में काम किया, शेफ और ड्राइवर की नौकरी भी की मैंने। मैंने हर तरह की जॉब की पर एक भी बार कोर्ट का ट्रायल अटेंड नहीं कर पाई। देखो 7 साल बीत गए, मुझे पास किए, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरी जॉब चली गई, बाहर लाइफ बहुत मुश्किल है। ठीक है अंकल, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। देखा, किसी को सच नहीं सुनना। अगर अपनी प्रॉब्लम को बताने के पैसे मिलते तो कब का करोड़पति बन गई होती। मुझे और बियर पीनी है। इसे बियर देने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर स्टार्ट खाएंगे। हमें ग्रेजुएट हुए इतने साल हो गए, डिजर्ट के लिए तुम अब भी यही आती हो? यकीन नहीं होता ये शॉप अभी भी चल रहा है, इसे बंद हो जाना चाहिए था। मैं इस दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ तो मुझे ढूंढ लेते हो। तुमने क्या मुझ में GPS लगाया है? एग्जाम में जब भी तुम्हें कम मार्क्स आते थे तुम यहीं पर आती थी। ये तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मतलब तब से तुम ही मेरे बारे में। मैं सोचता था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। तुम्हारा बॉस बनना ये ऊपर वाले की ही मर्जी थी। आपका बहुत शुक्रिया। 11 साल बीत चुके हैं पर तुमने मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया, इतना सोचते हो तुम। वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा, इसलिए चाहता हूँ कि तुम जाओ। तुमने कहा था कि तुम मुझे हरा कर दुनिया की सबसे अच्छी लॉयर बनना चाहती हो। जब तक तुम इस कोशिश में लगे रहोगी तब तक अपने सपनों को जिंदा रख पाओगी। मैं सच में तुम्हें खुद से जीता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं भी हारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस एविडेंशियल मटेरियल कंफर्मेशन लिस्ट में मेरे सिग्नेचर है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हार मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 7 साल हो गए और अभी तक नेशनल जुडिकल एग्जाम पास नहीं कर पाई, और ऊपर से पैरालीगल हूँ। जिसने एविडेंशियल मटेरियल भी खो दिया, कोई भी लॉ फर्म मुझे हायर नहीं करेगी, मुझे हायर नहीं करेगी। मैं हायर करूंगा, मैं साबित करूंगा कि मिस्टर वी ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका AS ग्रुप के साथ कोई रिश्ता है। मैं फर्स्ट ट्रायल हारा हूँ,
फाइनल ट्रायल में हारना नहीं चाहता। मुश्किलों से भाग जाना सबसे आसान होता है, पर उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। मैं भाग नहीं रही हूँ। तो फिर तुम नेशनल जुडिशियल एग्जामिनेशन पास क्यों नहीं कर पाई? अपने डैड की वजह से, सही कहा? बे, रुक जाओ। रुको। बे, रुक जाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर फिर भी हार जाती हूँ। तुम तो हमेशा से जीते आए हो, तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई है जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं था। जुनूनी बनना ये मेरी चॉइस नहीं है, मेरी आदत है। इस मामले में तुम्हारा हमदर्द नहीं बनना चाहता, बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि रास्ता मुश्किल है, तुम्हें इसमें बहुत दर्द होगा, इसलिए इस रास्ते पर मत चलो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी कैपेबिलिटी और टैलेंट का पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट देने पर मजबूर करूंगा। मैं जानता हूं कि मुश्किलों का सामना करने में बहुत दर्द होगा। तुम्हारी पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स बहुत कमाल की है। भरोसा करो मुझ पर, हम एक केस जरूर जीतेंगे। सोचती हूँ कि क्या हम उस केस को भूलकर आज कुछ बातें कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या हम अब चले? उठाओ इसे। सुनो, हम पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं, तुम लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। अरे अरे, मेरा सामान, मेरा फोन, हैंडबैग उठा लो प्लीज। ठीक है ठीक है। सर, मो जिजिन जो अभी अब्रॉड में है, उसे छोड़कर 2011 के सभी बैच के लोग यहाँ पर हैं। क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया था? हाँ किया था, फिर भी नहीं आया। लुशुन, हाँ, सभी को फावड़ा दे दो, सब लोग मिलकर विश बोतल निकालो। ठीक है चलो जल्दी करते हैं। चलो, चलो तुम लोग भी आ जाओ, विश बोतल तुम लोग भी चलो। चलो मिस्टर जैन को देखो, 10 साल पहले वो कितने फिट थे और उनके सर पर बाल भी थे, और अब बेचारे के सर पर कुछ बाल भी नहीं। सब लोग अपना अपना फावड़ा लेकर जमीन खोदो, विश बोतल ढूंढो। क्या कर रही हो? धीरे बोलो, तुम्हें उसे डर नहीं लगता? जाओ। अब मैं क्यों डरूंगी? ये तुम्हारे लिए में हम सब अनसक्सेसफुल लोगों की तो बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, समझी तुम दोनों जी? वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो? चलो अपना काम करो। तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से मुझे बहुत टेंशन होती है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ बातें कर रही हो, ये तो है। चलो जल्दी अपना काम करो। और एक बात, जब भी किसी बदमाश बच्चे से मैं डील करता हूँ, मेरे सिर के एक एक बाल टूट कर गिर जाते हैं। जी माफ कर दीजिए सर। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे सिर पर बहुत बाल हैं। सबको लगता है कि मेरी एज की वजह से मेरे बाल टूटे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जैसे स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे बाल टूटते रहते हैं। लुशुन, मैंने सही कहा ना? तुम खड़े क्यों? सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सारे बच्चे फावड़ा लेकर अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, तुम कभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। तुम्हारी वजह से मैं चिंता करता हूँ और मेरे बाल। माफ कीजिएगा सर, ये मेरे हाथ से फिसल गया। आपको चोट तो नहीं लगी? तुम्हारे हाथ से स्लिप हुआ, तुमने जानबूझ कर गिराया। मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती हो। जरा संभल कर। जाओ जल्दी अपना काम करो। तुम शुरू ही हुए थे और तुमने चुप करा दिया। लोजन जिस लड़की को पसंद करता था, तुमने अपने छोटे भाई से उस लड़की की दोस्ती करवा दी, याद है ना तुम्हें? जल्द ही इस टिकट को खरीदें। 10 साल बाद इस टिकट को 2 टुकड़ों में बांट कर दोनों लोगों को भेजा जाएगा। जो कपल 10 साल बाद भी साथ होंगे, वो दोनों टुकड़ों को जोड़कर इवेंट में साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 10 साल,
मुझे तो लगता है 6 महीने में ही आधे ब्रेकअप हो जाएंगे। तुम जानती हो ऐसे इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर को बहुत प्रॉफिट होता है, बस लोगों को बेवकूफ बनाना है। देखो वो भी है। वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जैसे ही तुमने देखा कि उन दोनों की उसने वो टिकट्स फाड़ कर फेंक दिया है, तुमने तुरंत ही अपने भाई को इस मौके का फायदा उठाने को कहा। बेचारा लूजन, तब से वो सिंगल ही है। वो तुम्हें काम में तंग जरूर करता है, पर वो तुमसे पेश बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने अपने भाई की सेटिंग उसकी गर्लफ्रेंड से नहीं कराई थी। मैंने तो अपने छोटे भाई को उससे बस मिलवाया। वो तुम्हारा बॉस बनी है, किस्मत में है। ये लो, ये तुम दोनों की बॉटल्स हैं। थैंक यू। लाओ मुझे भी अपनी बॉटल लेकर आओ। ये मेरा है। ये लो, इसे लो। मैं पता नहीं था उसकी नई। किन भाई, तुम तो बहुत सारी बॉटल खोजने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारी विशेष पूरी हो गई? और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे काम? सर आप तो जानते ही हैं, मेरी एक भी विश पूरी नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, आज घर पहुंचकर मैं इसे तुम्हारी दीवार पर लगा दूंगी। मुझे यकीन नहीं होता तुम सच कह रही हो। जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो अपना पूरा पेपर विश से भर दिया था। तुम खुद देख लो, मेरी एक भी विश पूरी नहीं हुई। पेरेंट्स की अच्छी सेहत, लंबी उम्र, लव लाइफ, अच्छे कैरियर की विश को अगर हटा कर देखे तो सारी फालतू विशेष लिखी थी मैंने। ये पढ़ो, एक प्यारा पप्पी चाहिए। कोई बात नहीं, ये मेरी विशेष देखो। उस वक्त मेरा सपना था एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करना। ये तो कभी पूरा नहीं। क्यों नहीं होता, मेरे लोग भी सिंगर बनने का सपना देख सकते हैं। अगर ये इतनी आसानी से पूरा हो जाता तो फिर सच कहूँ तो ये इम्पॉसिबल ही था। दिखाओ तुमने क्या विश किया था। रुक जाओ, क्या कर रही हो? क्या हो गया, तुम्हारा तो कैरियर भी सेट है, इसके अलावा और कोई विश भी नहीं है? सारी विश तो पूरी हो गई। मेरी विश पूरी नहीं हुई। ऐसी कौन सी विश है? मेरी विश थी कि मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। तुम भी ना, वैसे तुम इसे कभी हरा तो नहीं पाए, पर प्यार के मामले में तुमने इसे 10 साल इंतजार। अपना वो बंद करोगी? अच्छा, पर समंदर में तो और भी बहुत सी मछलियाँ हैं ना। अब तो लूजिन जिसे भी चाहेगा वो लड़की उसे कभी मना नहीं करने वाली है। तुम जो भी कह रही हो वो बकवास है। मैंने माओगाम की एक किताब में पढ़ा था, उस किताब में लिखा था कि हर किसी के दिल में एक छोटी सी खाली जगह होती है, और वो जगह तभी भरती है जब वो इंसान बिल्कुल उसके जैसा ही हो। हो सकता है कि वो इंसान परफेक्ट ना हो, उसमें बहुत सी खामियां हो, लेकिन अगर वो जगह उस इंसान ने नहीं ली तो फिर ये जगह हमेशा हमेशा के लिए खाली रहेगी। वो जगह पहले भी खाली थी ना, देखना एक दिन कोई उसे जरूर भर देगा। बहुत जल्दी ऐसा होगा। ये लो, ये जिक्सिन की बोतल है, इसे उसके लिए रखो। ये तुमने मुझे क्यों दिया? तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुम क्लास प्रेसिडेंट थे, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे पूछा तुम उसे कैसे जानते हो, वो कहाँ, ये बताने वाले होते कौन हो तुम? मुंह बंद करो, समझे? क्या मैं? तुम चुप रहो। अरे ये क्या है? ये जिंगिन की विशिंग बॉटल है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये जिक्सिन की बॉटल है, लूजिन इसे बॉटल दे देगा। लेकिन ये क्यों देगा? क्योंकि मैं क्लास प्रेसिडेंट था। अच्छा ठीक है, तुम ही उसे दे देना। नहीं नहीं, रुक जाओ, अगर तुम्हें इसे ये बॉटल देने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं। क्लास प्रेसिडेंट थे तो क्या हुआ, मैं उसका बॉयफ्रेंड था, और अभी ये तुम्हारा बॉस भी नहीं है, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? अरे तो नहीं, अरे नहीं, इसे मत देना, तुम इसे मत देना, मदद करो मेरी। अरे इसे ऐसे हटाओ, ये हमेशा ऐसे कर, मुझे तो सर, मुझे तो, मैं नहीं कर रहा हूँ, रो मुझे, मैंने कहा। तो मेरी विश सुनिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को अंशुअन नेशनल स्पोर्ट्स टीम में सेलेक्ट हो जाए। अगर ये विश भी पूरी नहीं हुई तो ये 109th विश है, सुनिए। मैं इधर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, ये विश तो पूरी होनी ही चाहिए थी, ये तो सबसे जरूरी विश थी, इसे तो पूरी कर देते आप। आपने इस विश को पूरा क्यों नहीं किया, बताइए मुझे, आप बताइए। आपने मेरी एक भी विश पूरी नहीं की,
पर मेरी जिंदगी थोड़ी तो बेहतर बना सकते थे ना। देखिए अब मेरी जॉब भी चली गई और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं चाहती थी कि लूजन पुरानी बातों को भूल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ जा रही हो? अरे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तो फिर तुम लोग कौन हो? ओ गॉड, भागो भागो जल्दी। कौन सा नया नाटक है तुम्हारा और ये कौन सा रियलिटी शो है? एक्सक्यूज मी सर, चीटिंग कर रही है। मैं चीटिंग कर रही हूँ? पागल हो? मिस्टर जैन आप यहाँ? क्या बात है बताओ? एग्जाम खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो जा सकती हो, बाकी के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब मत करो। रिक्सिन, शियून, ये लोग सब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, टाइम क्या है? मेरे बाल क्यों नोच रही हो? आपके बाल सच में इसलिए? अरे चुप रहो, कैंपस में तुम्हारा पहला दिन है और तुमने ऐसी हरकत की, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। हाँ सर, बहुत है, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। आपके बाल भी सही कर दूंगी। थैंक यू। अपने बालों का ख्याल रखिए। 9 मिनट बाकी है, मैं तुम्हें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम अपने एग्जाम पेपर लिखने पर फोकस करो, चुपचाप लिखो। तुम हंस क्यों रही हो?
ये क्वेश्चन तो मेरे लेवल के ही नहीं हूँ मिस्टर जैन। अब 4 साल की स्कॉलरशिप मेरे नाम होगी, देखना। घबराइए मत, अब मैं अपनी नई शुरुआत करने वाली हूँ। घबराइए मत, अब मैं अपनी नई शुरुआत करने वाली हूँ। सब अच्छा हो जाएगा, कॉलेज में फिर वापस आ गई। लूसिन, लूसिन, मुझे पता चला कि तुमने टॉप किया, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया। तुम्हारे डैड बहुत ही प्राउड होंगे ना। हम जूनियर क्लास से क्लासमेट थे और अब यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़ेंगे। मिस्टर मो कैसे हैं? उनका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस अच्छा चल रहा है। ए, रुक जाओ, फोटोज लेना बंद करो। क्या कर रहे हो? पास्ट में किसी ने बोस डिक्शन की फोटो ले ली थी, बल्कि उसे कैंपस वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया, और उस इंसिडेंट की वजह से बोस डिक्शन कैंपस में भी बहुत पॉपुलर हो गई थी। मिस्टर मो कैसे हैं? अब उनका बिजनेस कैसा चल रहा है बताओ। बिजनेस अच्छा चल रहा है। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। एक्चुअली तो फिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या तुम नशे में हो? एग्जाम में भी तुम मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने टीचर से शिकायत की। तो क्या तुम उसका बदला लोगी? ये सही नहीं है। अब तो ये मेरा बॉस भी नहीं है, अब मैं इसकी बातें क्यों सुनूं भला? 2011 में तो ये बस जवान लड़का ही था। हाँ, मैंने उसी का बदला लिया है तुमसे। वो बस एक एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें टॉप करने के लिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, इस एंट्रेंस एग्जाम में मैं टॉप करने वाली हूँ, समझे? देखो ये लड़का कौन है, इतनी कॉन्फिडेंट है ना। मैंने क्या कहा? क्यों, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने देखा तुमने क्रिमिनल लॉ का एक अमेंडमेंट क्योर किया है। तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट 1 मई 2011 को लागू किया गया था। इसका मतलब है तुमने जवाब गलत दिया। तुम्हारे 2 मार्क्स तो गए। और हाँ, नाम याद रख लो, तुम मुझे मिस क्विन बुलाना। मैं एक बात और बता देती हूँ, आज से हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिशन में, कॉलेज के हर क्लब एक्टिविटी में भी तुम पीछे ही रहोगे। तुम इस तरह बात करते हुए मुझे मारना बंद करोगी प्लीज? नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो फिर तुम अब मेरी सुनो, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब से तुम मेरी रडार पर रहोगी। देखती हूँ तुम क्या करोगे मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ बदतमीजी करके बच जाओगी? मेरे ऑफिस में आकर मिलो। कियानवी, तुमने कॉलेज के पहले दिन ही अपने लेक्चरर को परेशान किया। उन्होंने मुझे कॉल करके तुम्हारी दिमागी हालत के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे जितनी जल्दी हो सके माफी मांगो। ये 2011 है ना, इसका मतलब तेरे डैड अभी जिंदा है। सर, मुझे पहले किसी जरूरी काम से घर जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ऐसी बात है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, तुम वापस मत आना। हाँ, अगले हफ्ते सबके सामने तुम्हें सजा दूंगा। के बाद कॉलेज से निकलना मना है। कुछ साल बाद 9 बजे से ही रात की शुरुआत होगी। हाँ, जैसा सोचा था अभी भी वैसा ही है। आज की रात तो मैं उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। उनकी बीमारी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगी। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? आ, 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 आ,
नहीं, आराम से, वो मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो बस तुम कुछ खाओगे? मैं खाने ही जा रहा हूँ, तुम चलोगे साथ में मेरे? चलो आ जाओ। अच्छा एक काम करते हैं, चलो पहले नीचे तो आ जाओ तुम, अपना हाथ दो, मैं तुम्हें नीचे खींच रहा हूँ, आ जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती सच में। तुम डरो मत, मैं भी यहीं का स्टूडेंट हूँ, मैं बैच नंबर 2010 का हूँ, मेरा नाम लो चोंगबेन है। तुम मुझे जानती हो? बिल्कुल नहीं, ना ही पास, ना ही प्रेजेंट, ना ही फ्यूचर, में तुम्हें कभी नहीं जाना चाहती, समझे? तुम ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी इसलिए मैंने तुम्हारी बस मदद करने की कोशिश की। तुम आगे मत बढ़ो, दूर रहो मुझसे। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम क्या एक्वामैन हो? अगर हो तो और लोगों की मदद करो, शहर में और लोग भी हैं, मुझसे दूर रहो। एक्वामैन? स्पाइडरमैन तो सुना था, लेकिन ये कौन? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एग्जाम में चीटिंग, अब अपने सीनियर से पंगा और दीवार से कूदकर कॉलेज से भागना। तुमने एक दिन में जितने रूल्स तोड़े हैं उतने आज तक किसी ने नहीं तोड़े होंगे, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम ऊपर क्या देख रही हो? सुनो, आप ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। ये दोनों जो फ्यूचर में एक दूसरे को एक पल भी नहीं देखना चाहते, उन दोनों में अचानक इतना प्यार कैसे? एक्चुअली हम दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि इस दीवार से कूदे कैसे, फिर पता नहीं से गलतफहमी हो गई। सुनो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने पूरे होशो हवास में ऐसा किया, और मैं तुम्हें बता देती हूँ अगर फिर कर... चलो खा लो, बाद में जो करना है वो करना। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझ गए? गधे की तरह हंसना बंद करो बेवकूफ। अब तुम इन्हें धमकी दे रही हो? सीरियस केसेस में पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? या तुम्हें पुलिस स्टेशन ही जाना है? तुम हो कौन मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मुझे हमारे क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया है और पहले दिन ही बहुत कुछ हो गया है, तुम हमारे बैच को बदनाम कर रही हो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तुम्हें लगता है तुम मेरे बॉस हो? मैं अपना नाम खुद रोशन करूंगी, मेरी फिक्र मत करना, चलो गुड बाय। रुक जाओ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? जरा खुद को देखो, कितना नाटक करती हो। मुझे ध्यान देना होगा कि आज रात तुम किसी को परेशान नहीं करोगी। पकड़ो इसे। मैं क्यों पकड़ूंगी? जल्दी करो। प्यार से कह रहा हूँ, पकड़ो, पकड़ो इसे। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, मुझे सच में जाना है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चुपचाप चलो। मैं फिर वापस आऊंगी, मेरी टी शर्ट छोड़ो। वहाँ ऐसे वैसे उछल क्यों रही हो? ये लो, खुद पकड़ो, मेरी टी शर्ट छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ, तुम मारी तो रुको। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मुझे तुम पे भरोसा हो गया, हमेशा मेरा साथ देना, तुम मेरी हमेशा अच्छी दोस्त रहोगी। तो दोस्तों, हमारे बाल कभी नहीं झड़ेंगे, हम हमेशा जवान रहेंगे, हम अपना वक्त बदल कर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। yes, yes. वैसे हम अपना वक्त बदलेंगे कैसे? मेरा कहने का मतलब है कि जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम अपना वक्त बदल देंगे। हम अपना वक्त बदल देंगे, वक्त ऐसा ही होगा।
इंडिया में ब्यूटी ब्लेंडर मार्केट में नहीं आया था, इलेक्ट्रिक फेस क्लीनर भी मार्केट में नहीं आए थे, कोई फूड डिलीवरी ऐप भी नहीं था, वो नया सिविल कोड जिसे मैंने बहुत मुश्किल से याद किया था उसका भी 2011 में कोई काम नहीं है। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी जवानी और बाल दोनों वापस आ चुके। ली चोंगवेन भी मेरी इस दुनिया में मेरे साथ आ गए, लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल कॉलेज ओपनिंग सेरेमनी है, मैं फिर से अपने डैड को देख पाऊंगी। डैड सही कहते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए सहारे की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी से उठा सकता हूँ। कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तुमने मुझे बहुत मिस किया है ना। मैं तुम्हारे साथ रहने लगा। तुम जब तक चाहो बिल्कुल ऐसे ही रह सकती हो। मेरे पाँव हिल रहे हैं, पर तुम्हारे वजन के कारण नहीं बल्कि म्यूजिक के वजह से। मुझे नाचना है। तुम ठीक हो ना? आ जाओ बेटा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। केंचिन की तरह बिल्कुल मत बनना। मैं जब भी कॉलेज आया हूँ मुझसे कभी मिला ही नहीं। तुम ठीक हो ना? अरे संभल कर, आराम से, ध्यान से जाओ। सॉरी। हाय अजय, सुन, मेरे साथ ही बैठना है, ठीक है? 10 मिनट और। सब लोग आ गए हैं ना? पर हाँ, ये यहाँ पर आ ही गए हैं। अरे वहाँ अकेला क्या करेगा, इधर आना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठूंगा। श्यान भी अब तक क्यों नहीं आई है? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ जो खास है। जब मैं ट्रिप पर तिब्बत गया था तब टूर गाइड ने मुझे खरीदने को कहा था। ये बहुत कीमती है। उसने कहा था कि जब जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हो तब तुम इसे ऐसे घुमाना। फिर वक्त बदल जाएगा। तुम्हें कैसे पता? उसने तो मुझसे ये कहा था। उसने आपको ठग लिया है डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब झूठी बातें हैं। और वैसे भी फिलहाल जिंदगी मेरे हिसाब से चल रही है और मैं फिलहाल अभी वक्त को बदलना नहीं चाहती, समझ गए ना डैड आप? अरे दे दे दे, रुक जाओ। ये माफी कौन है? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं उसकी बातों पर भरोसा क्यों करूं? मेरी बात सुनो, इस रिंग की इम्पोर्टेंस तुम्हें सही वक्त पर समझ में आएगी। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। बुरी बात यह है कि ये रिंग मेरे किसी भी उंगली में नहीं आती, वरना मैं ये रिंग कभी नहीं देता। हेलो मिस्टर एंड मिस्टर शियान, ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही मिनट्स में शुरू होने वाली है, आप प्लीज अपने सीट्स ले लें। नहीं, आप पहले हॉस्पिटल चलिए। हॉस्पिटल क्यों? मैं ये आपके लिए कह रही हूँ। मुझे क्या हुआ है? मुझे कल सपना आया था कि आप बीमार हो और आपको ल्यूकेमिया हुआ है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ठीक तो हो, वो बस एक सपना था। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो फिर सुनिए, सपने में मैंने देखा कि आपने पैसे अपने थर्मल पैंट में छिपा रखे हैं। मैंने ये भी देखा कि मॉम का बर्थडे प्रेजेंट आपने। अरे बस हो गया, इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। रुक जाइए मिस्टर शियान, सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली है। तुम अपने सपनों की कहानी सेरेमनी के बाद भी सुना सकती हो। ये बस एक सेरेमनी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे अभी पर मैंने मिस्टर जेन से वादा किया है कि सेरेमनी में क्लास के सारे बच्चे आएंगे। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। मेरी मॉम एक डॉक्टर है, अगर आपको मदद चाहिए होगी तो मैं उनसे बात। को तुमने वादा किया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए डैड, जाइए, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। प्लीज आप हॉस्पिटल चले जाइए तुरंत। तुम ये क्या कर रहे हो? ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी, लेकिन रीडिंग तो बहुत ज्यादा आई है। लीजिए अंगूर खाइए। अंगूर मुझे बहुत पसंद है। ये तो बहुत मीठे हैं। ये खट्टे हैं। नहीं तो हमारी पड़ोसी मिसेस वॉन्ग, उनकी बेटी ने उनके लिए यूएसए से बेरीज मंगवाई थी। तुम्हें पता उसे यूएसए में क्या कहते हैं? चेरीज कहते हैं। तो फिर
उसने कहा कि वो फ्रूट बहुत मीठे थे। मैं भी टेस्ट करना चाहता था पर उसने करने नहीं दिया। चेरीज खानी है तो कहानी सुनाने की क्या जरूरत है, इन्हें मैं ही खा लूंगी। सुनिए, ये आधे किलो का इतना ज्यादा दाम है, 500। ये तो बहुत महंगा है, डैड को ये नहीं चाहिए। इसके अलावा थोड़े टमाटर ही ले लेती हूँ। मुझे वो बेरीज खरीद लेना चाहिए था, मैं इतनी जिद्दी क्यों थी। डैड कभी भी चेरीज का स्वाद नहीं ले पाए। तुम ठीक हो ना लूजनी? मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे? मैं कहां से दूंगा, देखो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम अपनी मॉम से ले लेना जब वो वापस आ जाएगी। अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो वो मुझसे पूछेंगी कि क्यों चाहिए। अगर तुम भी मुझसे उधार लोगी तो मैं भी तुमसे यही पूछूंगा। तुम्हें समझाना ज्यादा आसान है, प्लीज मुझे पैसे दे दो। मेरे पास सच में ज्यादा पैसे नहीं है और वैसे भी तुमसे मिले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे। कोई बात नहीं, पहले तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, अब तो थोड़ा जानते ही हो ना तुम। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा दोस्त होना मतलब 100 दुश्मनों के बराबर होने के जैसा। देखो ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे सच में जरूरत है। मुझे टच मत किया करो, ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मुझे टच करते हुए देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी मॉम ने देख लिया तो उन्हें नहीं समझा पाऊंगा मैं। तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना? ठीक है, अगर तुम मुझे उधार नहीं दोगे तो इतना तो श्योर है कि तुम हॉस्पिटल से आसानी से नहीं निकलोगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मेरे पास सच में ज्यादा पैसे नहीं है। देखो तुम मेरे पास बहुत कम। तुम मुझे पैसे उधार दे दोगे, मुझे बताए? वो मेरी पॉकेट मनी है। बहुत शुक्रिया। सबको अपने हेल्थ का ख्याल तो रखना ही चाहिए। डैड। हे, हे, हे। हाँ। गैस करो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा बताइए? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है, सही टाइम पे चेकअप करवा लिया। डैड ये लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, आपको जितना चेरीज खाना है उतना खा लीजिए, ये सब आपके लिए। आपको चेरीज पसंद है? हाँ। ये बहुत महंगे हैं। तुम अपने पॉकेट मनी से कितने चेरी बॉक्स खरीद पाओगे बेटी? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। और एक और बात, आप उस स्पेयर फैक्ट्री में काम करना बंद कर दीजिए, वो जगह बहुत बहुत गंदी है, वहाँ घुटन भी होती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ केमिकल इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, आपकी एज हो गई है। ये तुम कैसे कह सकती हो, मेरे बिना फैक्ट्री चल ही नहीं पाएगी। अच्छा, आपको लगता है आपके बिना फैक्ट्री बंद हो जाएगी? क्वीन भी सही कह रही है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। आप इस उम्र में भी बहुत काम करते हैं, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी माँ को लंच पर ले जा रहा हूँ, इस दिन को सेलिब्रेट। गुड बाय। गुड बाय। कहाँ ले जा रहे हैं आप? जहाँ तुम कहो वही चलेंगे। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मेरे डैड के फुल बॉडी चेकअप और पैसों के लिए थैंक्स। तुम नहीं होते तो चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। तुम्हें तीखा खाना पसंद है, वैसे तुम्हें जो भी खाना हो तुम खा सकते हो। मुझे ट्रीट नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। तुमने इतनी महंगी चेरीज क्यों खरीदी बताओ मुझे, वो भी 2 डब्बों पे 500 रुपए खर्च कर दिए। वो कोई नॉर्मल चेरीज नहीं थे, इम्पोर्टेंट चेरीज थे। तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो, मैंने तुमसे बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे लगा 4 साल साथ रहना है, दोस्ती तो करनी होगी। पता नहीं इन 4 सालों में तुम मुझसे कितना पैसा उधार लेने वाली हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ रहकर अपना टाइम बर्बाद किया। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, इसलिए मुंह बनाना बंद करो। अब सुनो, तुम्हें टाइम बर्बाद करना अच्छा लगता है तो शौक से करो, लेकिन दूसरों का टाइम बर्बाद मत करो, समझी? कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे 2011 हो या 2022, ये खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। What are you some girls in need?
遍不一都是你非我的一生都是你一半星辰有孤寂连在人间烟火里无遍不一都是你我的一生都是你一半星辰有孤寂连在人间烟火里无遍不一都是你我还有要去做无数的可能性都会逼着自己去做还好未来有你会陪着我一起去做哪怕我会失去无数的东西哪怕我失去千千万万但我不能没你即使一直以你的灵魂我也如此珍惜女孩我发誓对你毫无保留做我唯一你是我唯一最美的回忆最特别的定义 Yeah baby 我会为你抵抗全世界想与你白头到老携手环游全世界任何地方有你在就是我的全世界我就是你的才会撑起你整个世界谢谢你整个世界穿过最美的边界不需要告别谁让我们如此热烈是前世的姻缘、yeah、躺在享受自然的星空我将你融入我的怀中我的余生都是你一半星辰有孤寂连在人间烟火里不偏不倚How much I love you 余生都是你